आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी हरी मटर आती है, ऐसे में मेरी तरीके से कचौड़ी बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं कचौड़ी के लिए कुछ मसाले ले रही हूँ, जिसमें है जीरा, लौंग, सौंफ, अजवाइन, खड़ा धनिया और लाल मिर्च, उसके साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च। इन सभी चीज़ों को लेके मैंने एक पैन में डाल दिया है और उसको गैस पर रख दिया है। एकदम धीमी आँच पर इसको हल्का हल्का रोस्ट करना है। तब तक इसको सेकना है जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू ना आने लगे। बस इसका मॉइस्चर हटाना है और बहुत हल्का रोस्ट करना है। अगर उसमें डंठल लगे हो मिर्च में तो उसको भी तोड़ दें। इसके साथ ही मैंने इसमें एक तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची डाली है, जो काली इलायची होती है, उसको डाला है और उसको भी इसके साथ ही भून लिया है। अब जब ये मसाले भुन जाएंगे, हल्की सी खुशबू इनमें आने लगेगी, तब इनको एक बर्तन में निकाल लें और उसको ठंडा होने के लिए रख दें, ताकि ये आसानी से अच्छे से पीस जाएंगे जब हम इनको पीसेंगे। उसके बाद मैंने दोबारा से वही बर्तन चढ़ा दिया है, उसी पैन को गैस पर रख दिया है और इसमें एक टेबल स्पून तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल है, और इसमें अब ये मटर जो हमने धो के रखी हुई थी उसको डाल दिया है और इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे, कम से कम 4-5 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लें। इसको फ्राई करने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका, इसका सारा कच्चापन खत्म हो जाता है मटर का। तो इसको इस तरीके से फ्राई कर लें। अब ये जो मसाले थे ये भी ठंडे हो गए हैं। अब मैंने इसको मिक्सी जार में डाल के और इसको मोटा मोटा सा पीसना है, इसको बारीक नहीं करना है, दरदरा सा पीसेंगे इसको। रुक रुक के मिक्सी को चलाएं तो ये दरदरा मोटा मोटा पीसेगा। इस तरीके से मैंने ये पीस के और एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसी जार में जो मटर मैंने फ्राई करके रखी हुई थी उसको डाल देंगे और उसके साथ ही धनिया, जो हरी पत्ती है, धनिया पत्ती, उसको भी डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को मिला के इस सारी मटर को मोटा मोटा, इसको भी दरदरा सा ही पीसेंगे, बारीक नहीं करना है। इसको भी रुक रुक के चलाएंगे मिक्सी को। अब उसी पैन को मैंने दूसरी बार रखा और उसमें एक चम्मच तेल डाला है फिर से, और उसमें पहले जीरा डाल देंगे और जीरा जब फ्राई हो जाएगा तब उसमें अदरक और हरी मिर्च को, जो मैंने कोर्सली इसको ग्राइंड कर लें या फिर उसको कूट लें, इस तरीके से मैंने ये 2 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, लहसुन नहीं डाला है, अदरक और हरी मिर्च है, और इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। अदरक हरी मिर्च थोड़ा फ्राई हो जाएगी, फिर इसमें जो मटर हमने पीस के रखी हुई है उसको डाल देंगे और उसको भी फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट के बाद। फिर इसमें जो हमने मसाले पीस के रखे हुए थे इसको डाल देंगे और उसके साथ ही इसमें कुछ और चीज़ें भी डालेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर यानी अमचूर पाउडर लिया, उसको डाल देंगे, और 1/2 चम्मच काला नमक, इसके साथ ही 1/2 चम्मच सादा नमक जो है वो डाला है, आप स्वाद के अनुसार देख लें उतना नमक इसमें डाल दें। और अब इसको अच्छे से मिला लिया है और इसको 3-4 मिनट और भून लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 3-4 मिनट ही भूनना है, और उसके बाद इसको गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब आटा तैयार करेंगे कचौड़ी के लिए, तो उसके लिए मैंने 2 कप भर के गेहूं का आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं लेकिन मैंने गेहूं का आटा लिया है। और इसमें 1/2 चम्मच नमक डाला है और उसके साथ ही 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डाल दिया है इसमें मोयन देने के लिए। अब इस आटे को हाथ से बहुत अच्छी तरीके से तेल को मिक्स करेंगे आटे के साथ, और खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसको हाथ से प्रेस करके देखेंगे, मुट्ठी बननी चाहिए, इतना मोयन डालना है। अब पानी लिया 1 कप भर के और उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इस आटे को गूंद लेंगे, एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, और इसको एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है इसका, रोटी से भी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा ये आटा, और इसको अच्छे से गूंदते हुए रख लेंगे इसको। और इसके बाद जब आटा अच्छे से गूंद जाएगा फिर इसमें इसको ढक के 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। देखिए कितना सॉफ्ट लगाया आटा, इतना ही सॉफ्ट आपको रखना है। अब इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे इस आटे को ढक के। 15 मिनट के बाद इस आटे से हम कचौड़ी बनाना शुरू करेंगे। एक छोटा पोर्शन लेंगे इस आटे से
और इसको गोल लोई बना के इसको पहले चपटा करेंगे, फिर इसमें जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ है मटर का उसको चम्मच से लेते हुए भर देंगे और दोनों हाथों से दबाते हुए आटे को, और इसको पूरा लोई अच्छे से बना लेंगे इस तरीके से, इसकी स्टफिंग कर देंगे इसमें आटे में, और फिर इसको हाथ से दबाते हुए इसको तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी तरीके से आप ये कर सकते हैं कि इस मटर के मिक्सचर का पहले एक गोला बना लें, बॉल बना लें, और बॉल बना के इसमें रखें तो जो आपको सही लगे उस तरीके से आप इसको बनाएं, और बना के इस तरीके से सारी लोइयां तैयार कर लें। अब उसके बाद गैस से मैंने तेल भी रख दिया है, इस बीच में हल्का गर्म हो रहा है। अब इस लोई को हल्के हाथ से दबाते हुए हल्के हल्के से और इसको चपटा कर लेंगे। इसको बेलन से नहीं बेलना है, हाथ से ही बस दबाते हुए इसको तैयार करेंगे। और ये देखिए, ये इस तरीके से तैयार हो गई है। ये देखिए, आटे की लोई और मटर की लोई में बहुत ही कम अंतर है, लगभग बराबर सी है, बहुत थोड़ा सा अंतर है दोनों में, बस इतना ही अंतर रखना है। अच्छे से स्टफिंग करनी है, और जब तेल हल्का गर्म हो तभी उसमें जितनी कचौड़ी हमने बना के रखी हुई है उनको डाल देंगे। जितना आपका तेल हो उसी हिसाब से डालें, और इसको तब तक इसको छुएंगे नहीं, अपने आप ही जब ये ऊपर तैर के आ जाएगी तब इसको पलटेंगे, इसके पहले इसको टच नहीं करना है, नहीं तो ये फूट जाएगी। तो बस इस तरीके से एकदम धीमी धीमी आंच पे इसको सेकना है, ये अपने आप ही फूल के ऊपर आ जाएगी, फिर इसको टर्न कर दें। अब ये देखिए, गर्मा गर्म कचौड़ी मटर की बन के तैयार है। आप हरी चटनी के साथ इसको गर्मा गर्म सर्व करें, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से आप एक बार इसको जरूर बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगी मटर की कचौड़ी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएं। थैंक यू।